हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है। मैं रिव्यू अपडेट के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे विंडो 11 के बारे में। विंडो 11 में अभी बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, खास करके जो उसमें फ्रेश लुक आया है। टास्क बार बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एप्लीकेशंस हैं वो मिडिल में आ गए हैं टास्क बार में। और अभी सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि विंडोज़ 11 में आप फ़ोन के एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। खास करके एक बहुत अच्छा फीचर आया है, जैसा कि मैंने देखा है, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फ़ोन के एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो 11 में कनेक्टिविटी को लेकर के भी बहुत अच्छा अपडेट आया है। खास करके जो टास्क बार है वो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम ग्लास फिनिश की तरह। और कनेक्टिविटी में भी अभी 5G कनेक्टिविटी भी आ रहा है, साथ में आप लैपटॉप या कंप्यूटर में 5G कनेक्टिविटी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई में भी अभी वाईफाई 6 अवेलेबल है। और लेटेस्ट इनोवेशन है टच, खास करके पेन और वॉइस को लेकर के उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। टच सेंसिटिव भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे नए इम्प्रूवमेंट हुए हैं विंडोज़ 11 में। विंडो 11 को यूज़ करने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोसेसर आपका 64 बिट का होना चाहिए। मेमोरी जो रैम है आपका वो कम से कम 4GB रैम होना चाहिए। और स्टोरेज 64GB कम से कम होना चाहिए। 64GB से अगर आपका स्टोरेज अधिक है, 4GB रैम से अधिक है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो विंडो 10 आपने डाल रखा है, तो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।